आई एम इन धर्मशाला राइट नाउ. दिस इज़ अ हिल स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश और मैंने यहाँ पर एक मोमो का जॉइंट एक्सप्लोर किया है. सो वी आर हेडिंग टू दैट जॉइंट फॉर लंच. चाइनीज़ मोमो वगैरह है वहाँ पे, बट वेरी गुड फूड. लेट्स गेट देयर. या टेम्परेचर इस समय 20 डिग्रीज है एंड इट वॉज विंडी अंटिल यस्टरडे. इट इज़ जस्ट लाइक अनदर मेघालय यू कैन से. बारिश का कोई पता नहीं होता है, कभी भी बारिश हो सकती है. ये अभी धौलाधार पहाड़ का स्नो पिघल दिख नहीं रहा है बिकॉज क्लाउड्स ने ढका हुआ है. सो अदरवाइज अगर आप एक प्रॉपर वेदर में देखेंगे ना तो एकदम स्नो कैप्ड आपको दिखाई देगा. एज़ यू कैन सी यहाँ से स्टेडियम अराउंड 1 किलोमीटर दूर है. यहाँ पे मोस्टली IPL के मैचेस होते हैं. सो दिस इज दैट प्लेस, मोमो जंक्शन फास्ट फूड. लेट्स गेट इट. तो बहुत ही छोटा सा कैफे टाइप सेटअप है इनका. 3 टेबल्स है, हर टेबल में 4 सीट्स है. हमने कोल्ड कॉफी मंगा ली थी. ये है वेज मोमो, 3 केचप और विनेगर है अलॉन्ग विद द मोमो चटनी. इसमें फिलिंग है कैबेज, कैरेट्स, अनियन ना. या हमने हाफ प्लेट और मंगा लिया. वैसे हाफ प्लेट मेन्यू में नहीं है, हमने मंगा लिया.
we are going to go back to our homestay. I will show you what homestay we are residing in. It's a residential colony. इस place को बोलते हैं अपर बरोल दाड़ी अपर बरोल स्टेडियम यहाँ से बड़ा पास है. वॉक करते हुए अगर आप जाएंगे तो इट विल टेक अराउंड 20 मिनट्स बाय फुट और काफ़ी शांत सी जगह है और चलते चलते आप व्यू देख सकते हैं. अभी आई कैन नॉट शो यू एनीथिंग बिकॉज क्लाउड्स आया हुआ है तो आप धौलाधार माउंटेन नहीं देख सकते बट आई हैव सीन इट द डे फर्स्ट डे आई चेक इन. हाँ तो स्टेडियम यू कैन एन्जॉय द व्यू. बीच में एक सिटिंग स्पॉट भी देखा मैंने. अगर पॉसिबल हुआ तो आई विल शो यू द स्टेडियम टुडे. अदरवाइज दैट्स हाउ इट इज. ओके दैट प्लेस ये DH होटल है धौलाधार हाइट होटल. ये होटल DH के पीछे है होम स्टे. रेजिडेंशियल एरिया ये. शाम को ना 7-8 बजे के बाद इट्स वेरी पीसफुल. कहाँ से जाना है. बाहर से व्यू ऐसा है तो वो ऊपर वाला फ्लैट इज वेर आई एम स्टेइंग. सो गाइज मैं अंदर आ चुकी हूँ अपने होम स्टे के अंदर. मैंने कुछ शॉपिंग करी है यहाँ से. लेट मी जस्ट चेंज एंड आई विल शो यू हाउ इट लुक्स. दिस इज वन टॉप दैट आई गॉट. यहाँ पे ना मेला लगा हुआ था. मेला की वीडियो मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट करी थी. दिस इज वन टॉप दैट आई गॉट फॉर 200 रुपीज. लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स. फॉर 200 रुपीज दिस इज अ स्टील यू गाइज. इसमें ज़ारा का लेबल लगा हुआ था विच इज़ व्हाई आई बॉट दिस. या लुक्स सो अमेजिंग यू गाइस. परफेक्ट. मैंने ये कुर्ती लिया है 150 रुपीज़ का मेले से. इसमें देयर इज अ स्ट्रैप सो यू कैन लाइक आपके साइज के हिसाब से वर्क फॉर यू. इट्स अ लॉन्ग वन. अच्छा I like it. This is for 150 rupees. It's a one piece. I like this one also. ये next है. ये भी एक dress है one piece है. It's a mini dress. ये थोड़ा सा शायद मुझे loose है so मुझे इसे alter करना पड़ेगा. This is for a steal, you guys. For 200 rupees, amazing stuff. I love it. The next up is this jeans that I got. It's a green color. The jeans hai. Here's how it looks. This is for 900 rupees that I got from Micro. Okay, that's it for this video. आई होप यू ऑल लाइक इट. कॉमेंट करके बताना अगर आपको और ब्लॉग्स चाहिए फ्रॉम दिस प्लेस. फिलहाल मैं सिर्फ एक ही ब्लॉग पोस्ट करूँगी. अगर आपको और चाहिए होगा तो प्लीज़ आप कॉमेंट करिए एंड आई विल पोस्ट मोर. दैट्स इट फॉर नाउ. बाय.